नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल थाना निषादपुरा क्षेत्र में 3 लोगों ने महिला को ठगा। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम से महिला से 9 लाख रुपए हड़पे। जब महिला को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि फरियादी महिला मनोरमा ठाकुर निषादपुरा क्षेत्र के नगर निगम के वार्ड कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वहीं उसी वार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज शर्मा ने महिला से कहा कि उसकी पुत्री को वे रेलवे में नौकरी लगवा देंगे। रेलवे कर्मचारियों से उसकी अच्छी पहचान है। महिला उसके झांसे में आ गई। आरोपी ने अपने अन्य 3 साथियों अंकित, राहुल और सुनील को रेलवे कर्मचारी बताकर महिला से मिलवाया। उसके बाद महिला ने कर्ज लेकर आरोपियों को 9 लाख रुपए दे दिए। जब उसको पुत्री की नौकरी नहीं लगी तो महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक धोखाधड़ी का मामला है, क्या पूरा मामला है? हमारे थाना क्षेत्र के रूपनगर की रहने वाली एक श्रीमती मनोरमा ठाकुर, पति का नाम कुमार ठाकुर, जो कि एक उनके परिचित है नीरज शर्मा, जो एक ही कार्यालय में आउटसोर्स में काम करते थे, उसी दौरान नीरज शर्मा से पहचान हुई और उनकी बात चली। इसी दौरान इनका नीरज शर्मा ने मनोरमा ठाकुर जी को बताया कि एक हमारी पहचान है, फोर्थ क्लास में आपकी नौकरी लग जाएगी और उसके लिए राशि ऐसी जो भी लगेगी देंगे। तो उसकी बातों में आके नीरज शर्मा ने इनको अंकित जोशी, सतीश उपाध्याय और राहुल करके 4 लोग हैं, इनसे मिलवाया और उनको पूरा आश्वासन दिलवाया कि आपकी फोर्थ क्लास में नौकरी लग जाएगी। फिर मनोरमा ठाकुर मैडम ने उनको जो है 9 लाख रुपए दे दिए। कुछ पैसे उसके पास नगद रखे हुए थे, कुछ रिश्तेदारों और आस पड़ोस से लेके उनको दे दिए। जांच उपरांत इस पर FIR पंजीबद्ध करके विवेचना में लिए गए और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।